हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप स्टोरी बाय शेफू। और आज आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या शेफाली क्या दिखा रही है मेकअप के अलावा। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ढाबा स्टाइल पनीर मक्खनी या पनीर बटर मसाला। सो ये आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ढाबा स्टाइल की ढाबे में कैसे बनती है। ढाबे का खाना वैसे भी बहुत ही टेस्टी होता है। सो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 4 प्याज और उसमें कुछ गार्लिक ऐड किए हैं। देन उसे मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें कुछ काजू भी डाल दिए हैं। ये मैं ग्रेवी के पर्पज़ से बनाऊंगी। सो मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा हमारा प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता और हमारे काजू भी थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। सो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पक गया है हमारा। सो हम इसे छान के ठंडा करके एंड पीस लेंगे। सो ये हमारी ग्रेवी हो जाएगी। देन मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है। मैं कोई सोवर तरीके से नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे नॉर्मल जैसे ढाबे में बनता है और जैसे शेफाली बनाती है अपने घर में पनीर ढाबा स्टाइल। सो मैं वैसा ही बनाऊँगी। सो आप लोग माइंड मत करिए कढ़ाई कैसी चढ़ाई हुई है या किचन कैसा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। देन उसमें मैंने जीरा ऐड किया है। देन बे लीफ एंड लौंग डालूँगी 2 और खड़ी इलायची ग्रीन वाली और एक दालचीनी का टुकड़ा। इतना ऐड करके इसे अच्छे से पकाऊँगी जब तक इसमें से अच्छे से अरोमा नहीं आने लग जाता। सो गाइज़, अगर आप लोग ये डिश ट्राई करिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी मुझे वो भी बताइएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद। और अगर अच्छी लगे तो मेक श्योर क्या करना है जानते हैं आप लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो अब मैंने ऑयल में 4 खड़ी लाल मिर्च भी ऐड कर दिए हैं। देन इसके बाद मैं डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने ये थोड़ा सा लिक्विड ही है क्योंकि मैंने थोड़ा सा घर में ही बनाया है, अपने मार्केट वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ। घर का तुरंत तुरंत का पीसा हुआ काफ़ी अच्छे से उसमें से स्मेल आती है और टेस्ट भी काफ़ी पड़ जाता है हमारी सब्ज़ी का, तो इसीलिए मैंने घर में ही पीसा था। तो मैं इसको पका लूँगी तब तक जब तक इसमें से मतलब कच्चेपन की स्मेल नहीं चली जाती अदरक लहसुन की, मैं तब तक उसे पकाऊंगी। देन मैंने जो प्याज वाला पेस्ट वो बनाया था ग्रेवी, उसे ऐड कर दूंगी इसमें। अनियन गार्लिक एंड काजू की जो बॉईल करके ग्रेवी बनाई थी उसे ऐड कर दूंगी। देन अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे। सो गाइज, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, सो मैं ऐसी और वीडियो आप लोग की लाऊंगी और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। और प्लीज़ गाइज, मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सो अब हम इसमें बहुत हल्का सा पानी ऐड करेंगे। देन हम टमाटोज़ ऐड करेंगे। तो टमाटोज़ ऐड करने के लिए सबसे पहले हम उसे ग्राइंड करेंगे। उसमें 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। देन 3 मीडियम साइज़ टमाटोज़ मैंने दिखाए आप लोगों को वैसे ही लेके। सो यहाँ पे क्वांटिटी बता दूँ मैं गाइज, मैं 1/2 kg पनीर बना रही हूँ। सो उस हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आप अगर कम बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से ग्रेवी बनाइए क्योंकि फिर ग्रेवी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सो आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी देख लीजिएगा। सो यहाँ पे मैं 1/2 kg पनीर में पनीर के लिए मैंने 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के एंड 3 टमाटोज़ लिए हैं। तो आप इतने में ही मेरी ग्रेवी अच्छे से मतलब बल्कि बन जाएगी। सो अब मैं टमाटोज़ को भी पीस लूँगी और यहाँ पे हमारी ग्रेवी पक रही है। हम ये वाइट वाली ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल सेपरेट नहीं होने लग जाता। अब ये थोड़ा सा इसमें से तेल सेपरेट होने लग गया है तो अब हम इसमें टमाटोज़ ऐड करेंगे। देन अपने मसाले ऐड करेंगे। मसाले में क्या, सिंपल मसाले घर वाले ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर नहीं ऐड करेंगे। देन यहाँ पे अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे उसे हम। सो यहाँ पे अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेंगे, सब सारे मसाले और सब कुछ।
मेरा प्रोसेस थोड़ा धीमा हो सकता है गाइज, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपको ये पनीर की सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब लगेगी, बहुत ही अच्छी। रेस्टोरेंट से मतलब ढाबे की तो बात छोड़िए, रेस्टोरेंट से कम नहीं लगेगी, मतलब आपने रेस्टोरेंट से मंगाई है या। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 100 ग्राम बटर, क्योंकि ये बटर पनीर मसाला है तो बटर तो ऐड करना बनता ही है। यहाँ पे हम 100 ग्राम बटर ऐड करेंगे। आप अगर कम पनीर बना रहे हैं तो उसमें कम ग्रेवी होगी तो उसमें आप कम बटर ऐड करिएगा। तो यहाँ पे मैं हाफ के जी पनीर में 100 ग्राम्स बटर ऐड कर रही हूँ। देन इसे पकने दूँगी अच्छे से। देन मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मलाई अपने घर वाली, मैं कोई क्रीम नहीं, मैं मार्केट वाली क्रीम ऐड नहीं कर रही, मुझे घर वाली मलाई ऐड करना अच्छा लगता है अपनी सब्जी में। उससे एक ग्रेवी में माइल्डनेस आती है, एक मतलब अच्छे से क्रीमीनेस आती है। सो मैं यहाँ पे 3 चम्मच मलाई ऐड करूँगी। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, देन अपनी ग्रेवी को पकने दूँगी। एक बार आप लोग भी मलाई ऐड करके पनीर बना के देखिएगा, काफ़ी अच्छी अच्छा टेस्ट आता है उससे, और काफ़ी अच्छी माइल्ड सी ग्रेवी बनती है, मतलब स्वीट सी ग्रेवी बनती है, काफ़ी अच्छा लगता है मसालों के साथ वो टेस्ट। सो यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और सब्जी मसाला थोड़ा थोड़ा सा एज़ पर योर टेस्ट, देन फिर मिक्स कर लेंगे। देन इसमें अब नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा छोला मसाला, इससे भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये मेरा सीक्रेट मसाला है, मैं हमेशा अपनी पनीर की सब्ज़ी में छोले मसाला ऐड करती हूँ थोड़ा सा, इससे काफ़ी अच्छी सी अच्छा सा टेस्ट भी आता है और काफ़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी आती है सब्ज़ी में से। तो इसे भी ऐड करके मिक्स कर लूँगी, देन पकने दूँगी इसे। गाइज़ मैं कुछ प्रोफेशनल तरीके से कुछ नहीं सिखा रही, मैं नॉर्मल जैसे घर में बनाती हूँ जैसे अपने, मैं वैसे ही आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी नॉर्मल वैसे ही बना सकें। किसी प्रोफेशनलिस्ट की तरह अगर सिखाने लग गई तो आप लोग सोचेंगे कि ये भी चाहिए किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो भी चाहिए। अब मैं, मेरे से वो क्लिप मिस हो गए हैं यहाँ पर, मैंने पनीर ऐड कर दी थी अपनी। देन पनीर ऐड करने के बाद भी मैं इसे अच्छे से पकाऊँगी ताकि पनीर, ताकि ग्रेवी के जितने भी टेस्ट मसाला है सब पनीर के अंदर चला जाए और पनीर फीकी फीकी सी ना लगे साथ में। मैं इसीलिए पनीर को पहले ऐड करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लास्ट में ऐड करने से। इससे पनीर में भी सारे टेस्ट घुल जाएंगे और जब आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो पनीर डालने के बाद भी हम इसे 5-10 मिनट तक पकाएंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी पानी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। आपको अगर थिक रखनी है तो आप थिक रख सकते हैं, मुझे थोड़ी सी लिक्विड ही पसंद है, मतलब बहुत लिक्विड नहीं बट हाँ बहुत ज़्यादा थिक से तो थोड़ी सी लिक्विड पसंद है। यहाँ पे उसे मिक्स कर लूँगी, देन इसे पकने दूँगी स्लो आंच पे। देन इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे हमारी पनीर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। गाइस इसी के साथ हमारी पनीर बटर मसाला रेडी हो गई है ढाबा स्टाइल। मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और इसे अच्छे से सजा लूँगी धनिया से एंड थोड़ी सी क्रीम ऐड करके। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं और भी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। टिल देन मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू गाइज, स्टे ब्लेस्ड।